जेटली ते मेरे नाल मेरे सहयोगी सिमरनजोत सिंह मक्कड़, जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि कुछ पल पहलां पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव होए, लोकां दे नाल गलबात करन दी उन्होंने कोशिश की। बहुत सारे कमेंट्स जिहड़े उन्हां नूं आए सी या मैसेजेस गए सी, तमाम उन्हां कमेंट्स या मैसेजेस दा रिप्लाई करन दी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कोशिश की। उत्थे ही उन्होंने कहा कि खुल देना जरूरी सी क्योंकि ज़्यादा देर तक लोगों नूं अंदर नहीं रखा जा सकता। इस तो बाद होर भी बहुत सारे मुद्दों पर गलबात हुई है, स्कूल्स की प्राइवेट स्कूल्स की फीस नूं लैके गलबात हुई है, जिम्स नूं लैके एक गल हुई है जिस विच ओह कहिंदे ने कि जिहड़े जिम ने इस तरह बंद रहणगे, नहीं खोले जा सकते क्योंकि यह फैसला केंद्र दा है। सिमरनजोत, बिल्कुल, कई दिनों तो लगातार मंग हो रही थी कि जिम्स पंजाब दे विच खोले जाण। पंजाब दे लोक कई थावां तो प्रोटेस्ट कर रहे सीगे, लुधियाणा दे विच असीं वड्डा प्रोटेस्ट देखिया, अमृतसर तो भी कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या कि जिम जिहड़े आ खोले जाण, और कैप्टन सरकार नूं इह दरखास्त की जा रही थी कि ठेके खोल दिते गए ते जिम क्यों बंद गए किए हैं। तो एक सवाल के जवाब विच आस्क कैप्टन के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब ने एक शख्स का सवाल सीगा कि जिम क्यों नहीं खोले, तो उन्होंने जवाब दिता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जिम खोलन का फैसला केंद्र सरकार का है, जिहड़ा लॉकडाउन का फैसला यह केंद्र सरकार का फैसला, और केंद्र के लॉकडाउन के फैसले के तहत पंजाब दे विच भी लॉकडाउन किया गया। सो जिस तरह केंद्र दीयां हदायतां आ रही, जो जो खोलन दीयां हदायतां आ रही, असीं उस तरीके दे नाल खोल रहे हैं। ये साढ़े हाथ विच नहीं है कि जिम खोले जाण या की खोलिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगला जिहड़ा नैक्सट लॉकडाउन दी खोलन दा जिहड़ा गाइडलाइनज आउणगीआं, शायद उहदे तहत केंद्र सरकार जिम्स खोलन की इजाजत दे देवे, पर जदों तक नहीं दिंदी तुसी कसरत करो, साइकिल चलाओ, वॉकिंग कर सकदे हो, इस तरह दीयां चीज़ां उन्होंने कही हैं। एक बार सुमन दर्शकों नूं सुना दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिम ना खुलण दे बारे जो तर्क दिता है, जो उन्होंने कहा कि क्यों पंजाब सरकार पंजाब दे विच हाले जिम नहीं खुल रही, वह दर्शकों नूं सुना दिंदे आ। और ये सवाल एक नहीं, मेरा ख्याल सैकड़े सवाल होने हैं इहदे ते मेरे कि जिम कद खोलोगे, बच्चे चाहते ने जिम जाना। तो ये असी जिहड़े ये फैसले ने, पहली गल समझण वाली है कि ये जिहड़े फैसले ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले ने। लॉकडाउन ये नैशनल लॉकडाउन है, नैशनल करफ्यू है, नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधीन आता है। जदों नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधीन कुछ होए फिर सेंटर अपने हुक्म उत्थों दिंदी है, होम मिनिस्ट्री दिंदी है। अगर स्टेट की होंगी तो मेरे हाथ से होंगी सी, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान वास्ते है, तो नैशनल लॉकडाउन है। और उन्होंने दो चीज़ा हाले नहीं खोलिया, एक जिम नहीं खोले और एक रेस्टोरेंट नहीं खोले। तो मैं आस करदा कि आने वाले जदों लॉकडाउन रिव्यू करेंगे ये दोनों चीज़ा जरूर खोलेंगे, ताकि फिर नॉर्मलसी अपनी पंजाब आनी हो। सब परवाना करो, हाले हाले है तो थोड़े दिन, लेकिन थोड़ी बहुत दौड़ दूड़ डाल लिया करो, साइकिल नाल चढ़ के साइकिलिंग कर लिया करो, और उस तो बाद जिम आ जानी है थोड़े को, और जिम थोड़े जो चलेंगे फिर तुसी अपनी नॉर्मल लाइफ जो है तुसी अपना शुरू कर देना। ते और ये सवाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सफाई दी है, स्पष्ट किया है कि क्यों जिम नहीं खुल सकते। उन्होंने कहना है कि ये केंद्र का फैसला है। हालांकि जो जिम ओनर्स ने या जो बॉडी बिल्डर्स ने जिन्हों वालों प्रोटेस्ट किए गए लगातार काफ़ी दिनों तो पंजाब दे विच, उन्हों का सवाल भी जायज़ है कि शराब के ठेके खोलने लाजमी क्योंकि सानू बार बार कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी वाल अपना जोर दिता जाए, इम्यूनिटी स्ट्रोंग किया जाए, तो शराब इम्यूनिटी स्ट्रोंग नहीं करती। ये उन्होंने लोगों के सवाल सन, सिमरनजोत, जो जिम ओनर्स ने उन्होंने सवाल सन। ये सवाल भी जायज ने कि सेहत को चंगे पासे वाल लेके जो नौजवान जा रहे हैं, अपनी सेहत वाल ध्यान दे रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, उन्होंने बारे नहीं सोचा, क्योंकि सिमरनजोत जिहड़े जिम ओनर ने उन्होंने भी बच्चे ने, उन्होंने भी ढिड लगे ने, उन्होंने भी परिवार ने, उन्होंने भी पालना अपने परिवार को, उन्होंने बारे नहीं सोचा जा रहा। देखो ये केंद्र सरकार जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा साफ तो स्पष्ट करता है कि वह चाहते, उन्होंने एक मैसेज सीगा कि जो नैक्सट टाइम अनलॉकिंग पार्ट नैक्सट आऊगा तो शायद वो सेंटर सरकार खोल दे तो असी भी खोल देंगे। सो एक चीज़ क्लीयर है, जे वो आप चाहते होंगे कि ना खोले जाण तो शायद वो ये कह देंगे कि जिम नहीं खोलने चाहिए, पर उन्होंने कहा जे केंद्र अलाउ करूगी, जो केंद्र सरकार ये कह दूगी कि खोल दिते जाण तो असी भी खोल देंगे, सानू खोलन दे विच प्रॉब्लम नहीं है। मुसीबत है जिम ओनर वास्ते, मिसालां बहुत ने, लुधियाने शहर दे विच असी इस वेले बैठे हाँ, और असी मिसाल दे तौर पर गल करिए बहुत सारे निजी तौर पर सुमन ऐसे जिम मालक जानते हैं जिन्होंने कर्जा लैके जिम खोलियां सीगियां, किश्तां जानियां सी, मशीनां महंगियां खरीदियां सी, और इन्ने देर तो उन्हां दा काम बंद पिया, मुसीबत है। पर क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लीयर कर दिता है कि केंद्र सरकार का
फैसला है, केंद्र सरकार जो कहूगी खोलना है तो उदो ही जिम्स जेडियां खोलने की इजाजत दी जाएगी। नाल ही प्राइवेट स्कूल्स नूं लैके जिहड़ा तर्क सामने आया, क्योंकि असीं इक लंबे समय तो देख रहे हां जिहड़े मां बाप ने वह भी प्रोटेस्ट कर रहे ने, वह भी आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे ने। प्राइवेट स्कूल दीआं मनमर्जियां जो फीस नूं लैके कीतीआं जा रहीआं ने, बच्चिआं नूं अजकल ऑनलाइन क्लासेस जदों दा करोना वायरस कारण विद्यक अदारे भी बंद होए ने तां बच्चिआं नूं जिहड़ा है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कीतीआं जा रहीआं जूम दे जरिए या होर जिहड़ीआं ऐप्स ने वीडियो कॉल राहीं जुड़ के जिहड़ी टीचर हुंदी है बच्चिआं नूं होमवर्क दिंदी है या क्लास अटेंड कीती जांदी है, वट्सएप ते होमवर्क भेज दिता जांदा है। इस दे खिलाफ मां बाप दा कहना है कि असीं घर बैठे साडे बच्चे चाहे तुसीं पढ़ा रहे हो पर असीं घर बैठ के ओनी फीस नहीं देवांगे जिन्नी डिमांड कर रहे ने प्राइवेट स्कूल्स। हालांकि ट्यूशन फीस देने लिए किया गया सी पर वो भी एक मोटी रकम है। देखो एक गल तो क्लियर है सुमन के, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दे दिता है, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ना तो कोई गल बोली जा सकती है ना ही सवाल किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने 70% फीस लैन की इजाजत दी सी, पर बहुत सारे स्कूलों तो यह खबर आ रही है कि स्कूल जेडे ने वो पूरी फीस वसूल रहे हैं, जो गलत है। दूसरी गल है कि मुख्यमंत्री ने अजे क्लीयर किया है कि असी हाई कोर्ट के विच एक मुड़ तो अपील पावांगे, जो पहला भी हाई कोर्ट ने जो क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देशों के उत्ते ही जेडे स्कूल मालक है वह फीस लै रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि असी ये खिलाफ ये बारे एक मुड़ तो जी अपील जी है हाई कोर्ट के पावांगे कि मुख्यमंत्री ने शब्द वरते है कि जे पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस काहदी है, तो इस कोई दो राय नहीं है कि हुण ये जिहड़ा दोबारा हाई कोर्ट के सरकार कह रही है कि मामला जा सकता है। हुण ये देखना होगा कि अगे क्योंकि कोर्ट का फैसला सी तो ये सब जूडियस है चीज़ तो कोर्ट अगों की फैसला सुनाती है, पर बहुत सारे स्कूल ऐसे ने जो हाई कोर्ट के फैसले ते भी छिके टंके वो पूरी पूरी फीस अज भी वसूल रहे और माँ प्यो परेशान हो रहे हैं। ये भी बहुत वड्डा सवाल है, ये बारे भी सरकार नूं सोचना चाहिए और सोचना बड़ी जल्दी पैना है। एक्शन नहीं ले जा रहे, इस कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री भावें कह रहे हुण कि फीस नहीं होनी चाहिए, पर घट्टो घट्ट उन्हां स्कूलों के जो हाई कोर्ट का जो ऑलरेडी कहा गया है कि 70% लोग वो पूरी ले रहे हैं, घट्टो घट उन्होंने तो कार्रवाई की जाए, उन्होंने भी अफसोस की गल है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो अपनी मर्जी जी है करते हुए नजर आ रहे हैं। की क्या मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल भी आप दर्शकों को सुना दिए। एक सवाल किया मैं कि जेडे स्कूलों के फीस हाले दी जा रही ने, तो मैं थोनों कहा कि जदों तक स्कूल चलते नहीं कोई फीस नहीं लै सकता, सिर्फ कोई लेंदे ने ऑनलाइन फीस या कुछ एक कुछ तुसी कर सकते हो, लेकिन उस तो बाद फिर हाई कोर्ट से चले गए कुछ स्कूल और हाई कोर्ट ने साडा जिहड़ा हुक्म सी उन्हों अमेंड करता। हुण असीं दोबारा अपील एक हाई कोर्ट के विच करांगे ताकि ये गल नूं असीं सुधारिए। असीं समझते हैं कि इहदे च हाई कोर्ट नूं जरूर समझणगे साडी गल, क्योंकि ये जदों तुसी स्कूल ही नहीं चला रहे तो फीस किस वास्ते लोग देन उसनूं, तो मैं समझदा कि साडी गल मन्नी जाएगी। तुसी एक सवाल कीता सी, मैं सुनिया कि मुख्यमंत्री कह रहे ने कि जे पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस काहदी, इस ते जिहड़ा शायद मुड़ तो विचार किया जा सके। इस दे नाल नाल किसानां नूं लैके भी एक बयान जिहड़ा उन्हां वल्लों सांझा कीता गया सी मंजो। देखो केंद्र सरकार दे उत्ते उन्होंने बड़ा वड्डा कटाक्ष किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नूं इस संबंधी मिलणगे, जो नवा बदलाव जिहड़ा केंद्र सरकार लैके आ रही है उन्होंने कहा कि MSP खत्म करन दी कोशिश हो रही है और ये बिल्कुल नामंजूर है पंजाब दे विच। पंजाब ने जदों भी लोड़ पई है मुल्क दा ढिड भरन वास्ते पंजाब दा किसान अगे रहा और जदों लोड़ सी उदों पंजाब दा किसान दिसदा सी, और अज जे केंद्र MSP खत्म करूँ तो उन्होंने कहा कि असी कंप्लीटली असहमत है इस फैसले दे नाल और असी इहदे बारे उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री दे नाल इहदे नाल इस बारे गलबात भी करूँगा और एक MSP खत्म हुंदी ते पंजाब दे किसान दे नाल धक्का है। इस बारे भी असी दर्शकों नूं सुना दिंदे आ कि CM ने इस दे उत्ते की कहा। सरकार ने एक साढ़े एग्रीकल्चर दे विच खेतीबाड़ी दे विच तब्दीली लियाउण दी कोशिश कीती है, मैं उन्होंने कह दिता कि मैं उन्होंने नाल सहमत नहीं है, बिल्कुल असी नहीं है करन। देखो आड़तियां दा और किसानां दी बड़ा एक रिश्ता है, वह रिश्ता कायम रखना है। साढ़े MSP जिहड़ी जी ने इस देश नूं बचाया, एक समय हुंदा सी जदों असी भीख मंगदे सी अमरीका तों और PL 480 एक फंड सी, वह सानू उतों उधारा देंदे से और वह पैसे जमा करके उरे पता नहीं किस काम वास्ते इस्तेमाल करते से अमरीकन, और फिर साढ़े पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने
नवी झोने कटे नवे सारी कणक कटियां और साड़ी अपनी पैदावार होने लगी और यह छोटा जहा पंजाब 2.5% धरती इन्हें देश को बचाया और यह अन्न का भंडार भरते सारे और हुण वो जिहड़ी MSP देन लगे से वह भी बंद करन दी गल्लां कर रहे हैं। तो ये गल्लां असी इस तरह सख्ती नाल इस दी निपटावांगे, असी कानूनी व्यवस्था भी करांगे और मैं प्रधानमंत्री जी नूं भी लिखांगा कि ये पंजाब दे नाल ये गल ठीक नहीं। वह भी रहे हैं मुख्यमंत्री, 3 बार रहे ने उत्थे गुजरात के विच और उन्होंने भी पता होना चाहिए कि किसानों का की सोच की और किसान कैसी किसानी करते हैं, उत्थे भी किसानी होंदी है लेकिन साड़ी तो किसानी ने तो देश नूं बचाया है। बिल्कुल, इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने कुछ होर चीजां दे उत्ते भी स्ट्रेस दिता। उन्होंने कहा कि लोकां दे थुक सिटन करके चलान किए जा रहे ने, बीते दिन तकरीबन 160 बंदियां दे पंजाब च थुक सिटन करके चलान होया है। सो तुसी गल्लां करते हुंदे सी कि कनेडा अमरीका दे विच जे ऐ थुक सिटदे हो राह जांदे तां तुहानूं फाइन हो जांदा, टिकट कट्टी जांदी है। हुण पंजाब ही तुहाडा कनेडा ते अमरीका बन चुक्या, जे तुसी थुक सुटदे हो तां तुहाडा चलान कट्टिया जा सकदा है। तुसी नाइट करफ्यू जिहड़ा लग्या उहदे दरम्यान बाहर आउंदे हो तां तुहाडा चलान कट्टिया जा सकदा है। इक गल होर इत्थे एडिशन मैं करनी चाहुंदा कि अज खास तौर दे उत्ते पटियाला दे विच मामला उठिया कि लोक सुमन गड्डियां दे विच जिवें बतौर मिसाल दे तौर ते तुहानूं दसदा कल्ला बंदा जो किते जा रहा कार दे विच उह कई वारी मास्क नहीं लाउंदा ते पुलिस जदों रोकदी है तां अक्सर इह जवाब दित्ता जांदा कि गड्डी च तां मैं कल्ला ही हां तां फिर मास्क लाउण नूं क्यों कहा जा रहा है, मेरी गड्डी है, गड्डी दे शीशे बंद है, मैं मास्क नहीं लाया, तां उहनां लोकां दे चलान होए है। मास्क लाउणा मैंडेटरी है और पटियाला पुलिस ने अज इह गल क्लीयर कीती है कि गड्डी च जे तुसीं कल्ले भी जा रहे हो तां वी मास्क लग्या होणा जरूरी है, इह मैंडेटरी है पंजाब दे विच, घर तों बाहर आउणा है, दफ्तर तों बाहर आउणा है, मास्क लग्या होणा मैंडेटरी है। जिन्हां दे मास्क नहीं लगे हुए सन एक वड्डी गिणती दे विच चलान उहनां दे वी कट्टे गए ने। जी बिल्कुल, और इहदे नाल नाल असीं कुछ होर दस दईए कि जो चीनी कंपनियां पंजाब दे विच निवेश करना चाहणगियां चाइना छड के इत्थे आउणियां चाहुंदियां उहनां वास्ते 3100 एकड़ जमीन राखवीं रखण दी गल मुख्यमंत्री ने कही है। लेबर दी गल मुख्यमंत्री ने कीती कि वापस जिहड़ी लेबर गई है 13 लख पंजाब च प्रवासी मजदूर ने, उहदे चों सिर्फ 5 लख दे करीब प्रवासी मजदूर वापस गए है, 8 लख दे करीब प्रवासी मजदूर पंजाब च ने। तो उन्होंने कहा कि लेबर की समस्या कोई समस्या नहीं आने देवांगे और बहुत सारे लोग कह रहे कि लेबर नू वापस बुला भी रहे हैं। ये भी कहा कि सानू ये भी कॉल आ रही है कि गड्डी एक वापस भी बुलाई जाए पंजाब की, कुछ लोग वापस आना भी चाहते। तो उन्होंने कहा कि पॉसीबल नहीं है, कोई गड्डी असी वापस वास्ते नहीं करा सकते। सो ये सारे मुद्दों के उत्ते कुछ एक लोगों का जो मिशन फतेह के तहत सैलीब्रिटीज का धन्यवाद किया, अमिताभ बच्चन का धन्यवाद किया गया, करीना कपूर का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया, सोनू सूद का धन्यवाद किया, मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, कपिल देव समेत कई होर हस्तियों का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री दे वल्लों। और बिजली दे भी जिहड़े रेट घटाए गए है जिहड़े जिहड़े घरेलू खपतकारा वास्ते, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि सरकार अगले साल होर रेट्स घटाऊगी। ये बड़ा वड्डा कहना है, अगले साल होर रेट घटा देंगे मुख्यमंत्री का कहना है। और जिहड़े बैड्स ने वेंटीलेटर ने उन्हों का जिक्र किया कि पंजाब दे विच सिचुएशन कंट्रोल च है, पूरे देश दे विच जिन्हें मामले आए उहदा 80% मामले सिर्फ पंजाब दे विच ने पूरे मुल्क दे हिसाब से। तो कह रहे हैं कि लोगों की जिहड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों के साथ दे करके ही ऐसा पॉसीबल होया कि पंजाब दे विच बहुते मामले नहीं वध रहे, 40 तों 45 रोज़ दे आ रहे और लोगों के साथ दे नाले मामले होर घटावांगे। 360 दे करीब एक्टिव केसिस ने रह गए पंजाब च, तो वह भी ठीक होंदे आ तां घर जाणगे। पंजाब जीरो दे वल वध रहा हुण कि केसिस आ जरूर रहे लेकिन एक्टिव केसिस घटाण दे नाल जीरो वल वधिया जावे, इह रिकवरी दे आंकड़े। एक वड्डी गल इहदे च पॉइंट आया कि मुख्यमंत्री दे किसे पुराने साथी ने उन्हां नूं लिखिया बकायदा कि 1980 दी उन्हां दी इलैक्शन दे विच उह चोण ऑब्जर्वर लगे सी, अजकल सेहत उन्हां दी ठीक नहीं रहिंदी और वह चाहते हैं कि इस तो पहला कि वह दुनिया तो जाओ सीएम नाल चाह का कप शेयर करना चाहते हैं। सीएम ने बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि थोनू कुछ नहीं होने देंगे और जल्द जो पटियाले गए तो उन्होंने मिलने। सुमन जी, इस नाल ही आंकड़े भी सीएम साहब वालों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों साझे किए गए हैं, जो आंकड़े पंजाब के जुड़े हुए हैं, जो आंकड़े COVID-19 के जुड़े हुए हैं, वो आंकड़े भी थोड़े नाल जरूर साझे करा। तो दस दिए कि अब पंजाब तो 93 नवे मामले सामने आए हैं, एक वड्डी गिणती अब अमृतसर तो सामने आई है। 93 नवे मामले पंजाब दे
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 10 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 35, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, 2 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, 1 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 1 SAS ਨਗਰ, 5 ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 7 ਮਾਮਲੇ, 23 ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, 23 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 3 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਬਰਨਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ 10ਵੀਂ ਮੌਤ, ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2608 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2106 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਸਿਮਰਨਜੋਤ 451 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 51 ਮੌਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 0.5% ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ MSPਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ 8 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਰਵੇ ਸੁਮਨ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ 19 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 125 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਪਰ ਵੈਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ 451 ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, CM ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟੇ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ